वो देखिए, ये महल से जाने वाला चोर रास्ता है, आप इस रास्ते से चले जाइए, ये आपको औकाफ की सरहद के पार ले जाएगा और आपकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुमने हमारी जान बचाकर जो एहसान हम पर किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा, मैं तो एक मामूली सी कनीज हूं। शहजादी गुल ने आपकी जान बचाई है। हम आपके सहारे गुल को छोड़कर जा रहे हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा। आप गुल की परवाह ना कीजिए, मैं आपकी अमानत को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। खुदा हाफिज। ये तो अर्शी की आवाज है। मैंने पूरी हिफाजत के साथ सनोवर को बाहर निकाल दिया शहजादी, मैंने अपना फर्ज पूरा किया शहजादी, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन लेकिन तुम पर ये वार किसने किया? किसने वार किया तुम? मुझे कुछ पता नहीं शहजादी, मुझे कुछ पता नहीं, किसी ने मेरे ऊपर वार किया, किसी ने मेरे ऊपर। अर्शी, नहीं अर्शी, बोलो किसने जान ली तुम्हारी, बोलो, मैं कहती हूँ बोलो। मैंने किया है इसका खून। तुमने ऐसा क्यों की, क्यों जान ली इस मासूम की, क्यों? इसने शहंशाह औकाफ के साथ गद्दारी की है। गद्दारी? हाँ, इसने एक मुजरिम को भगाने में मदद की थी जिसे कल सजाए मौत दी जानी थी। तो कहो अपने सुल्तान को कि हमें भी सजाए मौत दे, हमें क्यों जिंदा छोड़ रखा है, क्योंकि सनोबर को हमने कैद से रिहा किया था। आपी? लेकिन किस लिए है? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। नहीं शहजादी, जो कोई भी आपसे मोहब्बत करने का जुर्म करेगा उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ, जाकर कत्ल कर दो उसे, इससे पहले कि वो तुम्हारी सरहद पार कर जाए, वरना वरना तुम मातम मनाते रह जाओगे। कभी नहीं, वो कोई काफ कभी नहीं पहुंच सकेगा। कोई काफ पहुंचेगी तो सिर्फ उसकी लाश, जिसे देख वहां का सुल्तान शहाबुद्दीन चीख उठेगा। जंग की तैयारी करो, हमें औकाफ के सुल्तान अल्तमश की तबाही चाहिए, तबाही। औकाफ पे हमला करके उसे नष्ट नाबूद कर दो। सनवर का ना लौटना इस बात का सबूत है कि वहां मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। तो जाओ, जाकर सारे औकाफ को हमारी फौज की पारे से रोंद डालो। शहंशाह आलम, अब हमें औकाफ पर हमला करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने फैसले को नहीं बदल सकते शहबाज, जंग होगी, जरूर होगी। अब जंग की जरूरत नहीं है, हम जंग जीत चुके हैं। शहजादे आलम दुश्मनों का सीना रोंद कर लौट आए। यानी कि हमारा बेटा सोनवर औकाफ से वापस आ गया। हाँ जहांपनाह, हम आ गए। सनोवर, मेरा बेटा सनोवर, तुम आ गए। हमारी रगों में बहने वाले इस कोए काफी खून की कसम, अगर तुम कुछ देर और नहीं आते तो हम औकाफ जाकर उसका नामो निशान तक मिटा देते। हमें बताओ, सुल्तान ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? यह आपकी दुआओं का असर है जहां पना, जो इस वक्त हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं।
वरना शहंशाह औकाफ ने तो हमारे लिए सजाए मौत का हुक्म सुना ही दिया था। उस कम जर्फ की ये जुर्रत कि उसने तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया? हाँ जहां बना, वो तो एक फरिश्ते ने आकर हमारी जान बचा ली। फरिश्ता कौन है बेटा? शहंशाह औकाफ की बेटी गुल। गुल? हाँ जहां बना, अगर वो हमें कैद खाने से रिहा ना करवाती तो इस वक्त शायद हम जिंदा ना होते। उस साहिबान बाप की बेटी ने तुम पर इतनी मेहरबानी क्यों की? वो हमसे मोहब्बत करती है जहां पना। नहीं नहीं बेटा, हमारे सामने तुम मोहब्बत का नाम नहीं लोगे। जहां पना, मोहब्बत कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं? हाँ गुनाह है। तुम नहीं जानते बेटे, इस मोहब्बत की गहरी खाई ने कितने कोई काफी वो खून चूस चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक उसकी प्यास नहीं बुझी। बेटा उस लड़की को तुम दिले दिमाग से निकाल दो। मैं उस लड़की को कैसे भुला सकता हूं जहां पना, वो हमारी रूह में शामिल हो चुकी है। अब तो हम उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो हमारा इंतजार करेगी और हकीकत तो यह है कि अब वो हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हम नहीं चाहते हैं कि औकाफ की तलवार तुम्हारे खून के प्यासी हो जाए। कोएकाफ में बेशुमार लड़कियां हैं जिन्हें तुम ताज पहनाकर मलिका बना सकते हो। नहीं जहां बना, अगर कोहकाफ की कोई मलिका बनेगी तो वो सिर्फ गुल, और उसे हम औकाफ से लेकर आएंगे। नहीं, तुम औकाफ हरगिज नहीं जाओगे। अगर तुम दोबारा गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, और हम तुम्हें कसम देते हैं कि तुम औकाफ के दरबार में कदम नहीं रखोगे। मुमकिन था कि सनोबर के कदम काल कोठरी से बाहर निकलते, तब वो फरार हुआ तो हुआ कैसे? जवाब दीजिए। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, सनोबर को फरार कराने में आपकी। खामोश क्यों हो गए? जवाब दीजिए, किसने फरार कराया उसे? आपकी बेटी गुल ने। हमारी बेटी गुल? ये आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं हमारी बेटी पर? एक लफ्ज भी गलत हो जहां पना तो मेरा सर हाजिर है, कलम कर दीजिए। हमें अफसोस है कि हमारी बेटी ने ही हमारे दुश्मन को फरार कर दिया। और जहां पना, उसे फरार कराने के साजिश में आरशी ने भी साथ दिया। आरशी? हां जहां पना, मैंने उसके गुनाहों की सजा देते हुए उसका भी कत्ल कर दिया। कत्ल आरशी का नहीं सनोवर का करना चाहिए था आपको। जहां पना, मैंने सनोवर को तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। हमें डर है कि हमारी बेटी गुल कहीं सनोवर की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो जाए, इसलिए सनोवर जहां भी हो उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। गुल और सनोबर की है दास्तां, अजब जिनकी दुनिया अजब है जहां। मोहब्बत के किस्से हैं यूं तो बहुत, मोहब्बत के किस्से हैं यूं तो बहुत, प्यार सा किस्म कहां। ये गुल और सनोबर है दास्ता, नसीब अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। नसीब अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे।
न भूलेंगे जिसको जमी आसमान, न भूलेंगे जिसको जमी आसमान, प्यार से किसने कहा ये गुल और सुनोवर की है दास्तां। सुनो बर की है दास्तां, जब जिनकी दुनिया जब है जहां, मोहब्बत के किस्से हैं यूं तो बहुत, मोहब्बत के किस्से हैं यूं तो बहुत, प्यार से किस्म कहां ये गुल और सुनो बर की है दास्तां। हम जानते हैं दोस्त कि औकाफ के शहंशाह के दिल में हमारे लिए नफरत ही नफरत है, लेकिन हमें यकीन है कि उनकी नफरत आज नहीं तो कल मोहब्बत में बदल जाएगी। ये मुमकिन नहीं है शहजादे। तुम सुल्तान अल्तमश को नहीं जानते, वो एक बहुत शातिर किस्म का सुल्तान है, वो तुम्हारा कत्ल कराने की पूरी कोशिश करेगा। तुम कहना क्या चाहते हो दोस्त, कि मौत के खौफ से हम कुल की मोहब्बत को भूल जाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता शहजादे। फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम कुल को एक हसीन को आप समझ करके भूल जाओ। ये तुम कह रहे हो, ये तुम कह रहे हो शाबाश। तुम ही थे ना जो गुल की खूबसूरती की दास्तान सुनाया करते थे, वो तुम ही थे ना जो गुल के हैरत अंगेज किस्से सुनाकर मुझे दीवाना बनाया करते थे, और आज तुम चाहते हो कि मैं उसे भूल जाऊं जबकि वो आज हमारे रोम रोम में समा चुकी है। ये मुमकिन नहीं है मेरे दोस्त, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश मत करो शहजादे। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम ये समझते हो कि दिल से दिल की धड़कनों को अलग किया जा सकता है, फूल से उसकी खुशबू को जुदा किया जा सकता है, चांद से चांदनी छीनी जा सकती है? अगर वो नहीं हो सकता तो ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि गुल और सनोवर इश्क का एक नाम है, उसे अलग अलग करना मुमकिन नहीं। तो क्या तुम फिर औकाफ जाओगे? हाँ दोस्त, हमें हमारी मोहब्बत के लिए जाना ही पड़ेगा। नहीं शहजादे, नहीं, ये ठीक नहीं है। और जहां पनाह को जो तुमने कसम दे रखी है, क्या तुम्हें उसका भी कोई ख्याल नहीं? क्या तुम उस कसम को भी तोड़ देना चाहते हो? नहीं दोस्त, हम जहां पनाह के आगे अपना दामन फैला देंगे और कहेंगे कि हमें तख्त ताज नहीं चाहिए, अगर हमें खुशियां देनी है तो हमारे दामन में गुल की मोहब्बत को डाल दीजिए। नसीब अपना सब आजमाते रहे,
बड़े शौक से सर कटाते रहे, वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे। न भूलेंगे जिसको जमीन आसमान, न भूलेंगे जिसको जमीन आसमान, प्यार से किसी में कहा ये गुल और सनोवर की है दास्तां, ये गुल और सनोवर की है दास्तां।